नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भारत भूषण है। आप देख रहे हो जेसीबी कंप्यूटर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो पिछली वीडियो बनाई थी मैंने बताया था जो जिनर डाइट लगाते हैं वो किस तरह से लगाते हैं। आप इस वीडियो को, उस वीडियो का दूसरा पार्ट भी समझ सकते हो। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी था जिनर डाइट के फायदे क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पिछले वाली वीडियो जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एक डायोड्स लेना है। जिनर डायोड्स है, इस तरह के होते हैं। और जिनर डायोड्स का लगाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, जहाँ पे ट्रांजिस्टर लगते हैं, उसकी जो बीच वाली लेग होती है, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। जो ये ट्रांजिस्टर लगता है, जहाँ पर ये नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होती है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये जिनर डायोड इस तरह से लगाना आपने। इसका फायदा ये होगा, अगर आपके प्रिंटर में ओवरफ्लो वोल्टेज आ जाती है तो ये उसको सेफ रखेगा और इससे आपका प्रिंटर कभी भी खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स, एक जिनर डायोड और लेना है आपने, वो 9 वोल्ट का लेना आपने। एक आपने नेगेटिव पे लगाना, कहीं पर भी नेगेटिव पे। और जो दूसरे वाली लेग होती है जिनर डायोड की, वो आपने यहाँ पर लगानी है। जो हेड होता है हमारा, हेड की दूसरी पोल होती है, वहाँ पर लगानी है। इससे ये होगा, अगर आप हेड को वॉश करते हो और वो कभी गीला रह जाता है, और गीला होने के कारण तब हमारा हेड शॉर्ट होता है, जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं वो उड़ जाते हैं। उस जिनर डायोड्स की वजह से हमारे ट्रांजिस्टर हैं खराब नहीं होंगे और पावर आईसी भी खराब नहीं होगी। अभी मेरे पास 9 वोल्ट का जिनर डायोड्स नहीं है, मैं आपको लगा के दिखा देता, तो आपने इसी तरह से लगाना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स।